और बड़ी खबर आपको बता दें, तुनिशा शर्मा सुसाइड केस से जुड़ी यह जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने इस केस को लव जिहाद से जोड़ा है। तो गिरीश महाजन ने कहा है कि यह मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है और इस मामले में इससे पहले बीजेपी नेता राम कदम भी परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर चुके हैं और साथ ही ये कह चुके हैं कि लव जिहाद से जुड़ा एंगल भी जांच किया जाए। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने इस केस को लव जिहाद से ही जोड़ा है। गिरीश महाजन ने कहा है कि यह मामला लव जिहाद का मामला है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी आ रही है। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का वॉइस सैंपल लेगी दिल्ली पुलिस। सबसे थोड़ी देर बाद आफताब को दिल्ली पुलिस रोहिणी की एफएसएल लैब ले जाएगी। यहां पर उसका वॉइस सैंपल लिया जाएगा। तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है आफताब और आज उसका वॉइस सैंपल लिया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस आज रोहिणी के एफएसएल लैब ले जाकर आफताब का वॉइस सैंपल लेगी। यही वो लैब है जहां पर आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ था। तो ये बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई, जहां श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी ये जानकारी मिल रही है कि आरोपी आफताब का वॉइस सैंपल लेगी पुलिस।